व्हाट्सअप मेरी YouTube फैमिली, आज हम आए हैं चांदनी चौक में और यहाँ पे हम कुछ बढ़िया सा ट्राई करेंगे। यहाँ पे काफ़ी कुछ है वेजिटेरियन आइटम ट्राई करने के लिए, तो आज हम सिर्फ वेजिटेरियन डिशेज टेस्ट करेंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर विद मी, चलो चलते हैं। फाइनली बिल्कुल भीड़ से निकलते हुए, लास्ट जंग लड़ते हुए, एक्चुअली कहेंगे जंग लड़ते हुए, फाइनली हम पहुँच गए हैं अमृतसरी लस्सी वाले का। आपको दिखा देते हैं, बहुत ही फंटेस्टिक, बहुत ही अमेजिंग लस्सी देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों ये है हमारी मैंगो लस्सी, दिखा देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार है, जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। मेरे को बहुत बढ़िया लगती है हमें मैंगो लस्सी, और ये सिर्फ गर्मियों में मिलती है, और किसी और सीज़न में आप मैंगो लस्सी के लिए अगर डिमांड करोगे तो आपको नहीं मिलेगी, आपको यहीं पे मिलेगी, सिर्फ गर्मियों में मिलेगी। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है चांदनी चौक के अंदर। अगर आपको लस्सी ट्राई करनी है, यहाँ पे काफ़ी सारी टाइप की लस्सी है, केसर बादाम लस्सी हो गई, मगर वन ऑफ माई फेवरेट जो है वो है मैंगो लस्सी, और सीज़न भी चल रहा है आम का, तो हम आम की लस्सी टेस्ट करेंगे। है ना, योगर्ट वो होती है एक्चुअली एक लस्सी, और उसके साथ इन्होंने मैंगो का इनोवेशन करा, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठंडी ठंडी बढ़िया लस्सी, ये मैंगो का कोई एसेंस यूज नहीं करते हैं, रियल जो आम होता है ना मैंगो वो यूज़ करते हैं, इसलिए ये इस लस्सी को बड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है। अदरवाइज अगर आप और जगह जाएंगे तो वो आपका यूज़ करेंगे मैंगो का जो होता है एसेंस यूज़ तो करते हैं, जो दुकानों में मिलता है एसेंस को डाल देते हैं फ्लेवर के लिए, बट ये रियल मैंगो यूज़ करते हैं, इसके मेरे को ये लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको उसको इसके अंदर आपको मैंगो का फ्लेवर जो होता है ना, रियल फ्लेवर वो मिलेगा। सबसे बेहतरीन लस्सी। शर्मा ने फिनिश कर लिया लस्सी, बहुत जल्दी में था इसको और ज़्यादा शूट करना है, बहुत ज़्यादा जल्दी में टेस्ट भी नहीं लिया, फ्लेवर भी नहीं लिया बंदे ने, सीधा लिया और गड़गड़ गड़ा ऐसे पिया, ऐसे बच्चे नहीं थे, छोटे बच्चे बोर्ड मिटा के गिलास गाइस। हर बंदे का चीज़ खाने का तरीका बहुत अलग होता है, कुछ होते हैं जो टेस्ट कर करके खाते हैं, एक जो होते हैं तो दबा के एक बारी में खा जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक साथ जल्दी जल्दी खाने में मज़ा आता है, तो मैं उनमें से हूँ, जल्दी जल्दी खाने में मज़ा आता है। सो गाइस ये मैंगो लस्सी वन ऑफ द बेस्ट लस्सी है जो मैंने आज तक पी है, और ये मेरी है, ये इसकी है, मैं पी गया, ये सी मेरे हाथ में था कि कभी हम बात करें और इसे भी पी जाए, मगर मैं अपनी लस्सी नहीं लूँगा, मैं ही पीऊँगा। और भी जगह जाना है, जल्दी से लस्सी को फिनिश करता हूँ। फाइनली हमारे भटूरे आ गए, ये है 80 रुपीज़ की प्लेट, जिसमें आपको मिलेंगे इतने बड़े बड़े दो फ्लफी से भटूरे, गर्मा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म, और ये है छोले साइड में, दूध लेके पहले मैं आपको छोले टेस्ट करके बताऊँगा कि छोले कैसे हैं। बहुत ही बढ़िया छोले, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मसालों का जो कॉम्बिनेशन लगा है वो बहुत माइल्ड है, मतलब स्पाइसी नहीं है एकदम, जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट होता है, बट काफ़ी टेस्ट है छोले भटूरे का करेंगे। मज़ा आ गया रियली में, बहुत ही बढ़िया है, एक और बाइट लूँगा, वो सॉफ्ट है भटूरे जो होता है ना, काफ़ी मेरा वो करारे मिलेंगे, क्रिस्पी से मिलेंगे, ये बहुत ज़्यादा फ्लफी है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लफी है, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास कोई भी मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।